बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के मुहूर्त के स्पेशल कार्यक्रम में। मैं आपके साथ में देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी नीचे अपने परिचय के तौर पर कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे आज के कार्यक्रम का एक खास हिस्सा बन सकते हैं। हम लोग फटाफट अपने टॉपिक पर चलते हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी। मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में भी आपको इसी प्रकार से जो संशय छेदन करने वाले जो कार्यक्रम है वो एपिसोड आपको मिल सके। अब मैं यहां पर थोड़ा सा सीरियल से बात करूंगा। देखिए, सबसे पहले जहां मैं आपको प्रत्येक महीने के हिसाब से गृह प्रवेश का मुहूर्त बता रहा हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे हर अलग अलग चैप्टर के, कुंडली मिलान, कुंडली से संबंधित चर्चाएं, या फिर मुहूर्त, या फिर 12 महीने में मुहूर्त, इसके लिए अलग से एक लेसन है, आप उसको चेक कर सकते हैं। और उसमें अलग 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 महीने के हिसाब से मैं आपको मुहूर्त बता रहा हूं। अब सबसे पहले हम इस चीज को समझ लें कि जब हम ग्रह प्रवेश मुहूर्त की बात कर रहे हों, तब ग्रह प्रवेश मुहूर्त के लिए कौन कौन से महीने श्रेष्ठ माने जाते हैं, अथवा कौन से नक्षत्र, कौन से बार, कौन सी तिथि इसके लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। मैं यहां पर आपको या भी विस्तार से बताऊंगा। देखिए, यहां पर मैं आपको अलग अलग जितने भी यहां पर जो ग्रंथ हैं मुहूर्त के, मैं अपनी पर्सनल बात नहीं करूंगा, शास्त्रोक्त शास्त्र के हिसाब से जो प्रमाण यहां पर है उसकी ए टू जेड जानकारी जो है मैं आपको देने वाला। यहां पर मुहूर्त चिंतामणि हो, मुहूर्त कल्पद्रम हो, या परंपरागत मुहूर्त हो, जितने भी मुहूर्त के एक साथ जो जो इसके प्रमाण हैं वो यहां पर बता रहे हैं कि कौन से महीने के अंदर ग्रह प्रवेश शुभ होगा। अलग अलग महीनों की जानकारी के साथ मैं यहां पर एक श्लोक दो पंक्ति का है उसको आपको बता रहा हूं। उसके बाद लगभग लगभग इसी प्रकार से हर पुस्तक के अंदर, हर मुहूर्त के अंदर, मुहूर्त शास्त्र के अंदर यह बताया गया है कि कौन से महीने में ग्रह प्रवेश शुभ है। यहां पे का माघे अर्थ लाभ प्रथमे प्रवेशे पुत्रार्थ लाभ खलु फाल्गुने च चैत्र चैत्रथे अर्थानि धन धान्य लाभो वैशाख मासे पशुपुत्र लाभ ज्येष्ठे च मासे सुपरेषु नूनम हानि प्रद शत्रुभय प्रदश्च। बहुत संक्षिप्त में इसका अर्थ हम समझ लें। यहां पे का माघे अर्थ लाभ, अगर माघ के महीने में ग्रह प्रवेश करते हैं तो धन का लाभ होता है, अर्थ का लाभ होता है, यानी स्पष्ट हो गया कि माघ का महीना ग्रह प्रवेश के लिए श्रेष्ठ माना गया। दूसरा, यहां पे कहा माघ के अलावा प्रथमे प्रवेशी पुत्र तलाभ खरु फाल्गुने च, अगर हम फाल्गुन के महीने में करते हैं तो पुत्र, पुत्रार्थ और धन का लाभ दोनों हमें इसमें मिलते हैं, जबकि चैत्रते अर्थहानि, चैत्र के अंदर यहां पर धन हानि का योग लिखा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से पौष के महीने में भी शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें यह भी कारण है कि इन दोनों महीने के अंदर सूर्य खरमास में, खरमास लग जाता है, सूर्य धनु और मीन राशि में प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए मैं पिछले कार्यक्रमों के माध्यम से उसको भी स्पष्ट कर चुका हूं कि इन महीनों में ग्रह प्रवेश का मुहूर्त नहीं बनता है। वैशाख मासे पशुपुत्र लाभ, वैशाख के महीने में भी यहां पर पुत्र और पशु आदि का लाभ, धन धान्य का लाभ यहां पर बताया गया है। ज्येष्ठेषु मासेषु परेषु नूनम, अर्थात ये चार महीने जो हैं यहां पर शुभ बताए गए, लेकिन क्या सिर्फ 12 महीने में से 4 महीनों के अंदर ग्रह प्रवेश करें, बाकी 8 महीने उसमें क्या करें। अब यहां पर हम लोग जब सीरियल वाइज हम बात कर रहे हैं प्रत्येक महीने के हिसाब से, तो मार्गशीर्ष के महीने की हम इस कार्यक्रम के अंदर बात कर लेते हैं। देखिए, मार्गशीर्ष के महीने में अगर हम ग्रह प्रवेश कर रहे हैं तो सबसे पहले मैंने जो श्लोक आपको शुरू में बताया, तो क्या मार्गशीर्ष उसमें आया? नहीं आया। देखिए, 2 महीने हैं चैत्र और पौष जिसमें बिल्कुल निषिद्ध है, इसमें ग्रह प्रवेश नहीं करना है। अब 4 महीने श्रेष्ठ हो गए, तो 4 और 2 कितने हो गए? 6। अब बचे 6 और महीने, अगर उन 6 और महीनों के अंदर हम करते हैं तो उनको मध्यम में लिया जाएगा, क्योंकि जो उत्तम है वो तो 4 महीने हो गए, और जो अधम है वो 2 महीने हो गए, 6 महीने।
अब जो 6 महीने बचते हैं उसको मध्यम में लिया जाए। बहुत ध्यान से समझना जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। उसी में मार्गशीर्ष का महीना भी आता है। तो अगर मार्गशीर्ष के अंदर हम ग्रह प्रवेश कर रहे हैं तो जो तिथि, जो नक्षत्र, जिन बार को मैंने आपको बताया, अमावस्या नहीं होनी चाहिए, अगर ग्रहण काल है तो उसमें भी निषिद्ध है। तो ऐसे जो नियम आपको मैंने ग्रह प्रवेश के बताए वो सब इसके अंदर होने चाहिए, फिर आप मार्गशीर्ष के अंदर ग्रह प्रवेश करते हैं, इन नियमों के साथ करते हैं, अपनी राशि पर अनुकूलता के साथ करते हैं, शुभ लग्न के अंदर ग्रह प्रवेश करते हैं। और बहुत खास विधि मैं आपको बताऊं कि ग्रह प्रवेश आप संपूर्ण वास्तु के साथ में, वास्तु शांति के साथ, ग्रह शांति के साथ, अपने इष्ट कुल देवताओं के पूजन के साथ और जो वैदिक परंपरा है उसके साथ में करें। कई लोग सोचते हैं सुंदरकांड का पाठ करा लो ग्रह प्रवेश हो गया, सत्यनारायण भगवान की कथा करा लो ग्रह प्रवेश हो गया, भंडारा करा दिया ग्रह प्रवेश हो गया। नहीं, ये उसके अंग हैं। मूल रूप से क्या इसमें पूजा होती है, क्या इसका विधान है, इसके लिए मैं अलग से भी आपके साथ चर्चा कर चुका हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है जो ग्रह प्रवेश के नियम है, या हम प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहां पर आप चेक कीजिए और उस नियम के साथ आप ग्रह प्रवेश करें। क्या क्या उसमें नियम है, किन किन नियमों के साथ करना चाहिए, वो वहां पर विस्तार से मैं आपको बता चुका हूं। ग्रह प्रवेश के लिए हमेशा से, अगर मास की बात करें तो ये 4 मासों को छोड़कर अगर हम मान लो किसी महीने में कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, 2 चीजें पहले मैं आपको यहां पर बता दूं। सबसे पहले तो अपने राशि पर चंद्रमा की अनुकूलता उस दिन को देखें, आपकी राशि से चंद्र कुंडली बनाएं, आपकी राशि से चंद्रमा उस दिन 8वें नहीं होने चाहिए, 12वें नहीं होना चाहिए और 4थे चंद्रमा नहीं होने चाहिए, बाकी चंद्रमा शुभ होगा। उस दिन का पर्टिकुलर लग्न आप तय करें कि किस लग्न में आप जो ग्रह प्रवेश करने का जो एक प्रोसेस उसको जो आप फॉलो करेंगे उसके लिए एक निश्चित लग्न निकालें जो कि स्त्री लग्न होना चाहिए, या सिंह लग्न में करें, वृषभ में करें, या फिर वृश्चिक में करें, या कुंभ लग्न में करें। आपको चर लग्न के अंदर बिल्कुल भी ग्रह प्रवेश नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, क्रूर वारों से बचें। रवि और मंगल विशेषकर ग्रह प्रवेश के लिए अशुभ माना गया है, 2 वारों के अंदर बिल्कुल नहीं करना है। तिथियों में बात करें तो रिक्ता तिथि और अमावस्या, इस तिथि को बिल्कुल नहीं करना है, समझ रहे हैं। कई लोग कहते हैं हाँ जी इस तिथि कर ले, इस दिन कर ले, भाई उस दिन रिक्ता तिथि है फिर कैसे कर लो। कई लोग कहते हैं गणेश चतुर्थी में कर लें, हाँ जी नवरात्रि की 9वीं है उस दिन कर लें, तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, चाहे वो नवरात्रि की 9वीं क्यों ना, समझ रहे हैं बात को। तो इसलिए इस हिसाब से नहीं दे सकते कि हाँ जी नवरात्रि चल रही है, शिवरात्रि चल रही है, सूत्र ये फॉलो होगा। दूसरा, नक्षत्रों की बात करें तो स्त्री संज्ञक नक्षत्र, मृदु संज्ञक नक्षत्र, इन नक्षत्रों के अंदर प्रवेश करना। आशा करता हूं जो आज का कार्यक्रम था वो आप सबके लिए काफी कुछ सीखने को मिला होगा इस कार्यक्रम के माध्यम से। कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ, यदि ग्रह प्रवेश के नियम हो या ग्रह प्रवेश के संबंधित मुहूर्त के नियम हो, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसके माध्यम से चेक कर सकते हैं।